आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। समूचे शहर में जहां एक ओर हरी सब्जियों और खाद्यान्नों के लिए मारामारी मची हुई है, तो वहीं दूसरी ओर सिकंदरा स्थित नवीन फल एवं सब्जी मंडी में हजारों टन सब्जियां पड़ी सड़ रही हैं। प्रशासन की लापरवाही के चलते ना तो किसानों को ही इन सब्जियों का वाजिब मूल्य मिल पाया और ना ही इन्हें शहर की जरूरतमंद जनता तक ही पहुँचाया जा सका। ताजनगरी में भी कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं प्रशासन द्वारा जो आगरा में तमाम मंडियां हैं उन सबको जो है बंद कर दिया गया, लेकिन उसके बाद हम लोग आज यहां सिकंदरा मंडी पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके की यहां व्यवस्थाएं हैं। सब्जी तो है यहां, लेकिन खरीदार नहीं है खरीदने वाले, क्योंकि मंडियों को बंद कर दिया गया है। यहां सब्जी है, आप देख सकते हैं किस तरीके से सब्जी जो है यहां पर बहुत सारी है जो कि सड़ रही है, क्योंकि इनकी खरीदारी के लिए कोई भी नहीं आ रहा है। आप, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा तस्वीरों में दिखाएं किस प्रकार से जो है सब्जी के यहाँ जो है ढेर लगे हुए हैं, जो कि सब्जी जो है जो जानवर हैं गाय हैं वो लोग वो आके यहाँ पर खा रही हैं। ये सब्जियाँ बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं। आगे का भी देखना, वो सब्जी सड़ रही है, वो बेचवाने से हमारे साथ में यहाँ कुछ मंडी के लोग भी हैं, उनसे जानेंगे कि किस प्रकार की यहाँ व्यवस्था रही मंडी से बंद करने से पहले और प्रशासन की तरफ से क्या इनको आदेश दिया गया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार, मैं सब्जी मंडी भाईपुर सिकंदरा से हूँ। जो है कि एक मतलब पहले सुबह आदेश दिया था 7 बजे से 2 बजे तक खुलेगा मंडी, इसके बाद 2 बजने में 10 मिनट पहले ही बाकी था, तभी आदेश कर दिया गया कि अपना अपना माल बाहर निकाल के ले जाओ यहाँ से, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, इसका जवाबदार कोई नहीं होगा। तो जिसकी माल तो गाड़ियों में था वो तो बाहर निकाल ले गया था, जो माल नीचे उतर चुका था वो माल ले जाने के लिए कोई सुविधा नहीं रही, और गाड़ियों को लोग बुलाया गया तो डर के मार के वजह से कोई गाड़ी वाला अंदर आने को राज़ी नहीं हुआ। और फिर आज तारीख में बोले थे 7 बजे से 2 बजे तक मंडी खोलने के लिए, लेकिन पब्लिक को इतना मारा गया है कि वो दहशत की वजह से कोई मंडी आने का राजी नहीं हो रहे हैं। मंडी बंद करने का कारण ये है कि क्योंकि मंडियों में जो है प्रशासनिक कोई व्यवस्था इस तरीके की नहीं है कि मंडियों में लगातार जो है भीड़ उमड़ रही थी, जिसको देखते हुए संक्रमण ना फैले इस कारण जो है मंडियों को बंद किया गया। लेकिन इससे पहले मंडी बंद करने से पहले आप लोगों को आदेश दिया गया या जो ये सब्जी आज बेकार हो रही है यहाँ पर प्रशासन को इसकी खरीद करनी चाहिए थी, इस तरीके की कोई पहल की गई उनके द्वारा? पहले कोई ये नहीं बताया गया कि मंडी बंद रहेगी, ये माल कम मंगाओ या मत मंगाओ, ये पहले नहीं कहा गया था। प्रशासन लगी हुई थी, जब भीड़ ज़्यादा आने लगी तो प्रशासन इस वजह से मंडी उनको मजबूर पे बंद करना पड़ा, लेकिन ये नहीं बता पाए कि कल से मंडी बंद रहेगी, आज से सौदा मत मंगाना या आज सौदे बेच लो कल से मंडी बंद रहेगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर ऐसा बताते तो ये आज सड़ने की हालात नहीं आती मंडियों में। ज़िले में इस प्रकार की व्यवस्था मतलब इस प्रकार की जो है कमियां देखी जा रही हैं, क्योंकि जैसे सब्जी मंडियों को बंद कर दिया गया है तो ना तो जो ठेली पर जो सब्जी बेचते थे वो लोग आ रहे हैं, दूध की त्राही त्राही मच चुकी है, सब्जी की त्राही त्राही मच चुकी है, एक तरफ यहाँ सब्जी जो है सड़ती नज़र आ रही है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? अब सड़े इस पर क्या कहेंगे, अब वो बेचने वाला क्या जो मार्केट में ले जाके बेचते हैं वो प्रशासन यहाँ की बोल रही है कि जिसके पास पास होगा उसको मंडी में आने दिया जाएगा। अब 100 में हम जानते हैं 2-4 के पास पास होगा, तो 2-4 को आने से मंडी का माल थोड़ी बिक जाएगा, तो इस वजह से मंडी में माल सड़ा कि पास है ही नहीं, किसी के पास आएगा कौन इतना लेने के लिए। अब जिसके पास पास होगा वही मंडी आ सकता है, इसके अलावा दूसरा आदमी आ ही नहीं सकता। आप लोगों को प्रशासन द्वारा कोई संकेत नहीं दिया गया था कि जब मंडी बंद की जाएगी और जो भी आप अपना माल है इसको निकाल लीजिए, या इस तरीके का कोई आदेश दिया गया हो? आदेश दिया गया था 2 घंटे से पहले ही, इससे पहले नहीं बताया गया था कि आप मंडी से माल मत मंगाओ या मंडी बंद हो सकती है या कल से मंडी बंद हो जाएगी, आज माल मत मंगाना, ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था कि 2 घंटे पहले आदेश दिया कि अपना अपना माल निकाल के बाहर ले जाओ। 2 घंटे के अंदर आदेश देने के बाद आदमी कहाँ जाएगा, कहाँ माल लेके जाएगा? तो मंडी में क्या क्या माल है, जैसे सब्जी यहाँ हम देख रहे हैं कि लगातार जो है सब्जी के पैकेट लगे हुए हैं, चाहे वो गोभी हो, मिर्ची हो, हरी मिर्च हो, टिंडे हो, लगा वो सड़ते जा रहे हैं यहाँ, तो इस प्रकार क्या क्या मतलब जहाँ सब्जी जो है कितनी मात्रा में बेकार हो रही है? बहुत मात्रा में बेकार हुई सब्जी यहाँ पे मंडी में, कम से कम कि इतना सब्जी बेकार है कुछ कह भी नहीं सकते। हमने खुद जो है कि यहाँ कम से कम लौकी, कद्दू, टिंडा, खीरा, मिर्च, गोभी, टमाटर, पत्ता गोभी कम से कम कितना फेंका गया इसका कोई अरमान नहीं है। कितने गैया खा रही हैं सब, क्या करें, कहाँ ले जाके जाएंगे इतना सब। अभी कोई आदेश आपको कोई जारी किया हुआ जैसे किया गया है क्या कोई, जैसे मंडी खुलने के लिए या इस सामान को ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए कोई आदेश दिया गया हो? कोई आदेश नहीं दिया, ये आदेश दिया गया था सुबह कि 7 बजे से
दो बजे तक मंडी चलेगी और 7 बजे से 2 बजे तक मंडी चली। जिस किसी को नॉलेज था या चाहे मीडिया द्वारा या मान लो मोबाइल द्वारा मैसेज में देखा हो, तो कुछ लोग आए थे मंडी में, तो कुछ लोग आए थे तो थोड़ा बहुत ले गए, ज़्यादा बहुत आए होंगे तो 5%, इससे ज़्यादा नहीं आए। मैं आपसे जानना चाहूँ, जिस तरीके से मंडी में माल जो है बेकार हो रहा है, तो जैसे किसानों के माध्यम से अब नया माल नहीं आ पा रहा है, तो क्या इस भाव जो सामान है इसके भाव में कोई बढ़ोतरी की गई है क्या है? नहीं, भाव में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। भाव तो इस समय सब्जी सब ऐसी कोई सब्जी नहीं, सब कौड़ी के भाव बिक रही हैं, कोई सब्जी महंगी नहीं है। लेकिन चक्कर क्या, क्योंकि माल बिक नहीं पा रहा ना, जब माल आगे सेल नहीं हो रहा तो किसान लेके कहाँ से आएगा, और किसानों में माल तो भरपूर पड़ा हुआ है किसान, लेकिन लेके कैसे आएँ जब माल उनका बिक नहीं पा रहा, आने नहीं दे रहे हैं, अंदर ढंग से बिक्री नहीं हो रही है, मार मार के उल्टा सीधा भगाया जा रहा है, तो कहाँ से आएंगे। तो आप देख सकते थे किस तरीके की यहाँ जो है, जब सब्जी मंडी को बंद किया गया था तो जो है इन लोगों को कोई ऐसा आदेश नहीं दिया गया था, क्योंकि प्रशासन ने एकदम यहाँ इंतजाम को देखते हुए, व्यवस्था को देखते हुए मंडियों को जो है बंद करा दिया। लेकिन इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी कि जो यहाँ माल मौजूद है सब्जी मंडी के अंदर वो बेकार ना हो। इस समय जो है लॉकडाउन जारी है, लगातार सब्जी और दूध के लिए लोग बाग जो है ज़िले में शहर में जो है लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन यहाँ जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो बिल्कुल बेकार होती हुई साफ देखी जा सकती हैं। आप देख ही चुके हैं या देख भी रहे हैं कि किस प्रकार जो है लगातार सब्जियों के जो बंडल जो लगे हुए हैं यहाँ, चाहे वो खीरा हो, टिंडे हो, मिर्ची हो, गोभी हो, वो सारी सब्जियाँ यहाँ जो है बेकार हो रहे हैं। अपने सहयोगी गणेंद्र के साथ संदीप शर्मा, सी न्यूज़ आगरा।